जय श्री राम साहू बॉयज। चलिए साहू जी, ओके लेट्स स्टार्ट। ये आ गया पहला स्लाइड आपके सामने, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हेयर इट इज, छतरपुर का पहला स्लाइड। छतरपुर की स्थापना हुई थी 1717 में। बुंदेला राजा छत्रसाल ने इसकी स्थापना की थी। छत्रसाल ने इसकी नींव रखी थी छतरपुर ने, और उसी के नाम पर छत्र के नाम से ये छतरपुर बना, ठीक है। और छतरपुर जो कि सागर जिले के अंतर्गत आता, सागर डिवीजन के अंतर्गत आता है, सागर डिवीजन सागर संभाग के अंतर्गत आता है छतरपुर। और ये रहा छतरपुर का पूरा मानचित्र मध्य प्रदेश में देखा जाए तो ये है छतरपुर। थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं इसको। उत्तर प्रदेश से ये अपनी सीमा बनाता है, ये है छतरपुर, ठीक है। छतरपुर है और ये सागर डिवीजन के अंतर्गत आता है, ठीक है। और सागर डिवीजन में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं अभी, ठीक है ना। पहले 5 आते थे, सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, और यहां से ये निवाड़ी कट गया है यहां पर, ठीक है। तो कितने हो गए ये? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। पहले 5 आते थे, लेकिन जैसे निवाड़ी बना है अक्टूबर 2018 में, उसके बाद में ये 6 जिले हो गए हैं सागर डिवीजन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया अगला पॉइंट। 1909 में इस जिले में नगर पालिका का गठन हुआ था। 1908 में सॉरी 1908 में यहाँ पर इस जिले में नगर पालिका का गठन हुआ था, यानी कि अंग्रेजों के ब्रिटिश काल के दौरान में यहाँ पर नगर पालिका का गठन किया गया था। गुड आफ्टरनून मोनूसेन जी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, बहुत ही छोटा सा, ज्यादा पॉइंट्स नहीं है स्पेसिफिकली, जल्दी खत्म हो जाएगा। सागर जिले का मुख्यालय छतरपुर जिले का मुख्यालय जो है वो छतरपुर है। छतरपुर का पूरा मैप, ठीक है। और इसमें जितने भी ये पॉइंट दिए हैं, ये सारी इसकी तहसील है, ठीक है। इसमें काफी कुछ तहसील है, इसके बारे में मैं आगे आपको अगली स्लाइड्स में पूरी जानकारी दूंगा। बाकी मानचित्र में आपको दिखी रही है पूरी तहसील। बाकी आपके पास में जो भी डिटेल है छतरपुर के बारे में, वो आप मुझसे मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं। मॉर्निंग बैच फुल वीडियो दे दो ना सर। मॉर्निंग का चाहिए आपको, आज सुबह का? देवेन जी आज सुबह तो थे शायद आप। चलिए मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, आप वहां से देख लीजिएगा। कमेंट में इसमें डाल दूंगा मैं आपके कमेंट्स में, तो देर यू विल गेट दैट लिंक एंड यू कैन वॉच इट। सागर संभाग के अंतर्गत आता है, जैसे कि मैंने बताया आपको छतरपुर जिला, ठीक है। सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। चलिए क्षेत्रफल, छतरपुर जिले का जो क्षेत्रफल है वह 8,687 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक का इसका जो एरिया है वो है 8,687 वर्ग किलोमीटर, ठीक है जी। बिल्कुल मिल जाएगा देवेन जी, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिंक आपको दे दूंगा यहीं पर कमेंट में। लिंगानुपात, सेक्स रेशो, छतरपुर जिले का जो सेक्स रेशो वो है 883/1000, ठीक है ना। 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार जो सेक्स रेशो है वो 883, ये महिलाओं का रेशो है और ये पुरुष का, ठीक है। और ये छतरपुर का सेक्स रेशो के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला पॉइंट,
जनघनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो है 203 पर स्क्वायर किलोमीटर है छतरपुर जिले की। ठीक है, साक्षरता लिटरेसी रेट छतरपुर जिले की 63.7%। ठीक है, छतरपुर जिले की ये लिटरेसी रेट है यहाँ पर साक्षरता। तहसील, तहसील के बारे में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो तहसील है, ठीक है ना, ये तहसील है छतरपुर, राजनगर, नौगांव, लौड़ी, ठीक है ना, गोरीहार। यहाँ देख लेते हैं, छतरपुर स्वयं एक तहसील है, ठीक है ना। उसके बाद में राजनगर कहाँ है, ये राजनगर है, ठीक है ना। नौगांव, ये ऊपर में नौगांव लिखा हुआ है। लौड़ी, ये लौड़ी है यहाँ पर। और गौरीहार, गौरीहार इसी के बाजू में लगा हुआ है, ये गौरीहार है, ये लौड़ी, सॉरी ना। फिर बीजापुर, ये है बीजापुर, ठीक है ना। बड़ा मलहरा, ये है बड़ा मलहरा, ठीक है। महाराजपुरा, महाराजपुरा कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए आपको कहीं मिलेगा महाराजपुर, ये है महाराजपुर, ठीक है। दुवार, ये है दुवार। बक्सवा, ये बक्सवा। और फिर चंदेला, चंदेला भी आपको कहीं ना कहीं दिखेगा, ये है चंदेला, ठीक है। तो ये सारी तहसीलें हैं छतरपुर जिले की। और इसकी जनसंख्या छतरपुर जिले की जो है वो भी बता देता हूँ आपको, जनसंख्या कितनी जनसंख्या है यहाँ की, 14 लाख। छतरपुर जिले की जनसंख्या के बारे में इसमें जानकारी मेरे पास में पूरी उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। आप भी बता दीजिएगा इसमें छतरपुर की जनसंख्या कितनी है, ठीक है। बहुत ही स्पेसिफिक मेरे पास में कंटेंट अभी उपलब्ध है। चलिए, विकासखंड छतरपुर जिले के, छतरपुर, राजनगर, नौगांव, लौड़ी, गौरीहार, बीजापुर, बड़ा मलहरा और बक्सवाहा, ये हैं छतरपुर जिले के विकासखंड। मध्यकालीन भारत के इतिहास के ऊपर में, जी बिल्कुल मैं भेज दूंगा, ठीक है ना देवेन जी, मिल जाएगा आपको। चलिए, ये सारे जो फैक्ट्स हैं छतरपुर जिले के उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं अब। छतरपुर जिला, छतरपुर के अंतर्गत खजुराहो चंदेल वंश के शासक नन्नुक ने इस क्षेत्र को 825 से लेके 840 ईस्वी तक यहाँ पर राज किया और यहाँ के ये प्रथम शासक रहा, ठीक है। उसके बाद में खजुराहो को अपनी राजधानी बनाई, सबसे पहले नन्नुक ने ही इस क्षेत्र को अपना अपनी राजधानी बनाया था। और चंदेल वंश का इस प्रॉपर तरीके से जो इतिहास दिया है वो 950 से लेकर 1400 ईस्वी तक के बीच में है, लेकिन नन्नुक ने यहाँ पर चंदेल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। हेलो विजय जी, वेरी गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्कार कर रहे हैं वो, चलो ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, नन्नुक ने यहाँ पर चंदेल वंश की स्थापना की थी और इनका, इसका जो क्षेत्र था, इसने जो समय यहाँ पे स्थापना की थी वो 825 से लेके 840 के बीच में थी, लेकिन प्रॉपर चंदेल वंश की स्थापना जो काल रहा है वो 950 से लेके 1400 ईस्वी तक है। गुड आफ्टरनून विजय जी। चलिए अगला पॉइंट, अगला जो पॉइंट है, खजुराहो इस जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल है। देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे इम्पॉर्टेंट जो अगर पर्यटन स्थल है, ठीक है, जो टूरिस्ट प्लेस है वो है खजुराहो, ठीक है, क्योंकि खजुराहो में ही सबसे ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस, टूरिस्ट आते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है ना। खजुराहो अपने मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, वहाँ पर जो मंदिर हैं, ठीक है ना, जिनको कि चंदेलों ने बनवाया था, वो बहुत ही ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध हैं और यहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। 1886 में इन मंदिरों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था, ठीक है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ जब MCQ सीरीज चल रही थी, 1986 में इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था, ठीक है ना। पहले यहाँ पर जो मंदिरों की संख्या थी वो 85 थी, अब यहाँ पर सिर्फ
22 बची हुई है, यानी कि बाकी की सब ध्वस्त हो चुके हैं और अब सिर्फ देखने के लिए यहाँ पर शेष रह गए हैं 22 22 मंदिर हैं खजुराहो में। ठीक है, ये भी मैं आपको पहले MCQ सीरीज जब चल रही थी मैं आपको पूरी जानकारी दे चुका हूं। मंदिरों के बारे में अब जानकारी, खजुराहो के मंदिरों की भौगोलिक दृष्टि से ये 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग और दक्षिणी भाग। पश्चिमी भाग में जो है लक्ष्मण मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और मंगतेश्वर का मंदिर स्थित है। इसी तरीके से पूर्वी क्षेत्र में जो है पार्श्वनाथ का मंदिर है, ठीक है ना, घटोई मंदिर, आदिनाथ मंदिर, यानी कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म के भी यहाँ पर पूरे के पूरे इतिहास है, यहाँ पर जैनों ने भी यहाँ पर अपने मंदिरों की स्थापना करवाई थी। जी जी विजय जी बिल्कुल। दक्षिण भाग में दूलादेव का मंदिर और चतुर्भुज का मंदिर स्थित है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स हैं खजुराहो के, जो कि क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, इसलिए इसको आपको ऐसे ही बार बार रिवाइज करना है, याद करना है, ठीक है ना। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी का मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर और विश्वनाथ मंदिर, इस पर तो क्वेश्चन बन ही जाते हैं, कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से मंदिर हैं खजुराहो में, उस पर नाम पूछा जाता है, ठीक है। और पूर्व में ये पार्श्वनाथ मंदिर के बारे में काफी टाइम पर क्वेश्चंस इसके आ जाते हैं। आदिनाथ मंदिर भी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। दक्षिण भाग में ये चतुर्भुज का मंदिर और दूलादेव का मंदिर, इसलिए इसको आपको बिल्कुल बार बार दोहराना, जिससे कि ये रिविजन होके आपको आपके माइंड में सेट होगा और आपको याद होगा। अगला पॉइंट, छतरपुर जिले में घड़ियालों का संरक्षण के लिए, ठीक है ना, कैन नदी के पास में घड़ियाल संरक्षण अभयारण्य स्थापित किया गया है छतरपुर के पास में ही। एक्चुअली छतरपुर जो है, अगर मानचित्र में देखा जाए छतरपुर, ठीक है ना, ये है छतरपुर, और जो पन्ना नदी है, पन्ना जिले के पास से ही छतरपुर में से ही ये कैन नदी निकली है। तो वहीं पर पन्ना में और छतरपुर में, इन दोनों के बीच में ही यहाँ पर घड़ियाल संरक्षण का केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है। तो यहीं पर है यहाँ पे कि घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है कैन नदी में। कैन नदी जो कि कैमूर की पहाड़ी से कटनी के पास से निकली है ये, ठीक है ना, कैन नदी, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अगला पॉइंट, छतरपुर जिले की जो प्रमुख नदियां हैं कैन, उर्मिल, ठीक है ना, और पूर्वी सीमा बनाती हुई धसान नदी और पश्चिमी सीमा बनाती हुई सोनार नदी, ये छतरपुर की प्रमुख नदियां हैं, ठीक है ना। कैन नदी यहां से निकलती है, उर्मिल नदी भी है यहां पर। जी बिल्कुल विजय जी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा है यहां पर, और कैन नदी यमुना में जाकर मिलती है, बिल्कुल सही कहा आपने, यमुना नदी की ये सहायक नदी है, ठीक है। और छतरपुर में की ये प्रमुख नदियों में से एक है कैन नदी और उर्मिल नदी, और पूर्व की सीमा बनाती हुई धसान नदी है और पश्चिम की सीमा बनाती हुई सोनार नदी है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, छतरपुर जिले में जल बिहारी का मेला लगता है, ठीक है ना, और धुबेला में धुबेला उर्स का आयोजन किया जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, दोनों तीनों पॉइंट जो है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चन जरूर बनते हैं, आपको बार बार रिवाइज करना है। छतरपुर जिले में जो मेला लगता है वो जल बिहारी का मेला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इस पर, और धुबेला में धुबेला उर्स का आयोजन किया जाता है। छतरपुर जिले की जो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं कौन कौन से हैं, NH-75 और NH-86, ये राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, ठीक है। छतरपुर जिले में प्रमुख पाए जाने वाले खनिज कौन कौन से हैं, पायरोफाइट, डायस्पेयर और रॉक फास्फेट।
ये प्रमुखता से ये खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं छतरपुर जिले में। ठीक है, पायरोफाइट, डायस्पायर, डायस्पोर और रॉक फॉस्फेट। इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से आपसे रिवीजन हो जाएगा। खजुराहो स्वयं, खजुराहो के मंदिरों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, और पहले ही बता चुका हूँ यूनेस्को में इसको 1986 में शामिल किया गया था विश्व धरोहर में। और धुबेला, यहाँ पे की धुबेला का उर्स मनाया जाता है। छत्रसाल का मकबरा है यहाँ पर, ठीक है ना। रानी बेरछा का मकबरा है, रानी कमलापति की छत्री है। ठीक है, अब ओरछा इसमें नहीं है इसलिए ओरछा को यहाँ से अपन हटाते हैं। ओरछा इज नॉट अ पार्ट ऑफ छतरपुर। ठीक है, ओरछा का किला निवाड़ी में आता है, ये गलत दिया है इसमें। ओरछा इज अ पार्ट ऑफ टीकमगढ़, सॉरी टीकमगढ़ का था और टीकमगढ़ के बाद में वो निवाड़ी में पहुंच गया है अब, इसलिए ये गलत है इसमें, इसको हटा देंगे आप ओरछा का किला। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, इनको आपको ध्यान रखना इस तरीके से। धार्मिक स्थल, धार्मिक स्थलों के बारे में मैंने बता दिया है, मैक्सिमम जो भी हैं वो खजुराहो के मंदिरों के पास में ही हैं। कंदरिया महादेव का मंदिर जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले, खजुराहो के मंदिरों में है ये कंदरिया महादेव का मंदिर। विश्वनाथ मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, ये भी खजुराहो में है। मंगतेश्वर का मंदिर, ये भी खजुराहो में है। पार्श्वनाथ मंदिर, ये भी खजुराहो में है। आदिनाथ मंदिर, ये भी खजुराहो में है। चित्रगुप्त मंदिर, बावन मंदिर, घंटई मंदिर और चतुर्भुज मंदिर, सारे धार्मिक स्थल छतरपुर के खजुराहो में है। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल विजय वर्मा जी, इंपॉर्टेंट है जितने भी मेले हैं मध्य प्रदेश के। मेले के ऊपर मैंने एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट से जाके आप वो भी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश में जो भी मेले लगते हैं उन पर पूरा का पूरा वीडियो है, आप मेरे चैनल पे जाके वो भी देख सकते हैं, तो पूरे मेलों के बारे में आपको उसमें जानकारी मिलेगी। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इसमें भी नहीं है उसके अलावा कुछ और भी हैं तो उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, आप भी बताएं। ठीक है, आदिवासी खजुराहो में, आदिवासी कला संग्रहालय, ये खजुराहो में स्थित है अभी। ठीक है, आदिवासी कला संग्रहालय ये खजुराहो में है। ठीक है ना, चंदेल के सारे मंदिरों के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। ठीक है ना, बाकी एक और खनिज पाया जाता है जिसको बोलते हैं छुई मिट्टी। ठीक है ना, छतरपुर में छुई मिट्टी, छुई मिट्टी भी पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, और हीरे का भंडार तो मैंने आपको बता ही दिया है, एमसीक्यू सीरीज जब चल रही थी ये बताया था कि छतरपुर में हीरे की खदान भी है, हीरे की खान भी है यहाँ पर, यहाँ पे हीरा निकाला जाता है। ठीक है, कहाँ पर निकाला जाता है जो मैंने बताया था आपको, अगर आपको जानकारी हो तो, हीरा कहाँ निकलता है छतरपुर में, यह है बक्सवाहा में।
ठीक है ना। मझगावां जो है वो 17, और एक और है, दो जगह है, सतना, पन्ना और छतरपुर, ये तीन जगह पे पाई जाती हैं, ठीक है ना। हिरकी खान है, मझगवां, और एक और है वो, कभी कभी माइंड से स्लिप हो जाता है, इतना सारा जीके है। बताता हूँ मैं आपको, जब क्वेश्चन किया है तो उसको बताना भी जरूरी है। जो हीरे की खान है पन्ना में, चलिए मैं 1 मिनट होल्ड कीजिए। मझगावा और एक जगह और है, इसमें भी नहीं दिया हुआ है, मैं मेरे माइंड से भी स्लिप हो रहा है। चलिए लेटर ऑन आई विल गिव यू कहाँ पर है। छतरपुर, पन्ना और सतना, ये तीन जगह पाई जाती है, ठीक है ना। हीरे की खान है मध्य प्रदेश में, और पूरे भारतवर्ष में सिर्फ मध्य प्रदेश में ही हीरा निकलता है, ठीक है ना। मझगावा है, और आगा सौद है या कहाँ है कुछ कन्फर्म नहीं है, नाम याद नहीं आ रहा, मुंह पे निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं आपको आगे बता दूंगा, याद नहीं आ पा रहा मेरे को, ठीक है। तो ये सारी मैंने फैक्ट छतरपुर के बारे में आपको बता दिए, और छतरपुर का जो पुराना नाम है वो तो मैंने आपको पहले भी कई बार एक्सप्लेन किया है, जेजाक भुक्ति, ठीक है ना। जो चंदेल वंश ने यहाँ पर राज किया था, ठीक है ना, तो वहां पर जो खजुराहो है, खजुराहो का पुराना नाम जेजाक भुक्ति, जेजाक भुक्ति के नाम से, ठीक है ना, छतरपुर को कहा जाता था। चंदेलों शासक की राजधानी होने के कारण छतरपुर को जेजाक भुक्ति कहा जाता था ये, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। छतरपुर में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बताए। बाकी यहां पर पांडव प्रपात भी है, यहां पर पांडव प्रपात ये यहां पर है, और एक और है वो है भीमकुंड। भीमकुंड के बारे में अगर आप जानते हैं, वहां पर भीमकुंड भी है, जहां पर भी यहाँ पर आपका जिसकी गहराई का अभी तक भी अंदाजा नहीं लगा है, और काफी गहरा वहां पर एक कुंड बना हुआ है, यहाँ पे कि पानी कभी सूखता नहीं है। और ये बड़ा मलेरा के पास में है, बड़ा मलेरा तहसील है ना, वहां पर है ये भीमकुंड, ठीक है। और यहीं पर छतरपुर जिले में ही कैन बेतवा, ठीक है ना, कैन बेतवा के लिए एक दोहन बांध निर्माणाधीन है, ठीक है ना, कैन नदी पर और बेतवा, ये बेतवा तक जाएगा, और इसके बीच में जो नहर बनाई जा रही है, ठीक है ना, वो छतरपुर से होकर ही गुजरेगा, ठीक है। तो ये था पूरा छतरपुर जिसके बारे में मैंने आपको चर्चा की। इसके अलावा और भी कोई फैक्ट हैं जो कि आप मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं, देन वेलकम, वी कैन डिस्कस ऑन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। बताएं और कुछ, या फिर यहीं पे वाइंड अप करते हैं इस क्लास को।
क्लास कंप्लीट हो गई, छतरपुर के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया आपको। बाकी देवेंद्र जी मेरे से लिंक मांग रहे थे तो वो लिंक दे देता हूँ इनको मॉर्निंग की क्लास का। थोड़ा सा होल्ड करें, मैं लिंक निकाल रहा हूँ आपके लिए देवेन जी। बाकी जितने भी विद्यार्थी हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करके जो नए विद्यार्थी आ गए हैं, और मेरे वीडियो को लाइक करते हुए भी जाएं। ये लीजिए देवेन जी, मैंने आपके लिए ये लिंक डाल दिया है जो मॉर्निंग की एमसीक्यू सीरीज आई थी मेडिवल हिस्ट्री की, तो यू कैन वॉच फ्रॉम दैट लिंक। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। कल फिर मिलते हैं सुबह 8 बजे मेडिवल हिस्ट्री के साथ में, और फिर अगले जिले के ऊपर भी मैं आपको डिटेल दे दूंगा कि अगला जिला कौन सा है अभी, ठीक है ना। कमेंट्स में आपको मालूम पड़ जाएगा कि अगला जिला मैं कौन सा लेने वाला हूँ। अच्छा, 1 से लेकर 28 तक मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक भेज देता हूँ, ठीक है ना। प्लेलिस्ट से आप निकाल सकते हैं वो। प्लेलिस्ट से दे देता हूं मैं आपको। ये लीजिए प्लेलिस्ट का है लिंक, आप यहां से उठाइएगा। दो लिंक हैं पूरे, आप दोनों लिंक से उठा लीजिएगा। एक और लिंक है यहाँ से, ठीक है ना, उसमें एमसीक्यू है, इसमें मध्य प्रदेश की एमसीक्यू सीरीज है, ठीक है। इन दोनों से आप ले लीजिएगा और सारे के सारे आप एमसीक्यू सीरीज लाइव क्लास टेक सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं, टेक केयर।